Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतरेशमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। नाना शास्त्र विचारणे निपुण शक धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिगुणवंदनं श्री राधा कृष्ण पदारविंद वचनानंद मुक्तादिको वंदे रूप सनातन गुरुजीव श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदिष्ठ सर्वैरामि वेदांत वेद विदेव चाहम। अध्याय नंबर 15 देखते हैं। हरे कृष्ण। अध्याय नंबर 15 स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस यानी एकदम क्या बोलते हैं ना स्वाभाविक जो भक्ति है। तो भक्ति में अस्वाभाविक भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति यानी किसी मतलब जो उनको बताना पड़ता है, आप ये करो वो करो, जप करो, सुबह जल्दी उठो, अगरबत्ती लगाओ, माला करो। लेकिन स्वाभाविक जो है वो प्रेम पूर्वक वो स्वयं ही करना शुरू करते हैं। तो ये उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं आगे स्वरूप गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे स्वाभाविक भक्ति के जो उदाहरण है वो हम लोग भगवान कृष्ण के जो पार्षद है वृंदावन के उनमें देख सकते हैं। तो जो वृंदावन के जो पार्षद हैं उनके इन डीलिंग्स को रागात्मिक कहा गया है। रागात्मिका दिस बीइंग्स डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग अबाउट डिवोशनल सर्विस। और ऐसे जो भगवान के पार्षद हैं उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी उन्होंने सारे जो तत्व हैं प्रिंसिपल्स हैं उनको उन्होंने परफेक्ट कर चुके हैं वो। और भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस जो प्रेम है वो प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर जो ग्वाल बालक थे जो भगवान कृष्ण के साथ थे उनको कुछ तपस्या या योग या ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा भगवान के साथ खेलने के लिए। वो सारे जो टेस्ट थे वो पार कर चुके थे पहले जन्म में, और इसलिए उनको यहाँ पे ये इतना सानिध्य भगवान का मिल रहा था। देयर स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड, और इस एटीट्यूड को यहाँ पे रागात्मिक भक्ति कहा गया है। फिर श्री रूप गोस्वामी जी रागात्मिक भक्ति का डेफिनेशन देते हुए कहते हैं स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर समथिंग व्हाइल कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स इन इट With an intense desire of love। तो यहाँ पे अब ये कहा गया है रागात्मिक भक्ति का जब वो डेफिनेशन देते हैं तो वो कहते हैं किसी के प्रति स्वाभाविक आकर्षण और पूर्ण रूप से एक होता है आकर्षण, फिर उसके बाद वो कहते हैं उनके विचारों में पूरी तरह से डूब जाना और बहुत ही तीव्र प्रेम की इच्छा। तो तीन चीजें हैं इसमें, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स और इंटेंस डिजायर ऑफ लव। डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड विद सच फीलिंग्स ऑफ स्पॉन्टेनियस लव इज कॉल्ड रागात्मिका भक्ति। ऐसे भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा गया। डिवोशनल सर्विस अंडर द हेडिंग ऑफ रागात्मिका कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। अब श्री रूप गोस्वामी ये जो रागात्मिका हमने पहले वधि भक्ति देखा था, अब यहाँ पे वो रागात्मिका भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो रागात्मिका भक्ति वो कह रहे हैं इसका फिर से दो में विभाजन हो सकता है।
सेंसुअल अट्रैक्शन और अदर इज कॉल्ड रिलेशनशिप। इसको जो टेक्निकल टर्म है वो है काम रूपेण और संबंध रूपेण रागात्मिका भक्ति। काम रूपेण रागात्मिका भक्ति, संबंध रूपेण रागात्मिका भक्ति। इस कनेक्शन में श्री नारद मुनि जी एक स्टेटमेंट देते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज से श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, हे प्रिय राजन, ऐसे बहुत से भक्त हैं जो पहले भगवान से आकर्षित होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, फ्रॉम बीइंग एनवियस ऑफ हिम, या उनसे उनको मत्सरता होती है, या उनसे भय होता है, या डिजायरिंग टू एसोसिएट अफेक्शनेटली विद, या उनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक उनसे संबंध रखना चाहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, नारद मुनि जी कह रहे हैं, एक इंद्र तृप्ति के लिए, दूसरा जलसी यानी मत्सरता, तीसरा भय, और चौथा है उनसे प्रेम पूर्वक संबंधन के लिए। Ultimately, these attractions become freed from all material contamination and gradually the worshipper develops spiritual love and achieves that ultimate goal of life desired by pure devotee. तो आगे कह रहे हैं कि ये वास्तव में देखा जाए तो आगे वो सारे भौतिक, ऐसे भक्त सारे भौतिक अशुद्धता से मुक्त हो जाते हैं और ऐसा उनका आराधना करने वाला उसको आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त होता है और आखिर में उसे इच्छित जो अपना जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। अब आगे गोपियों के बारे में कहा गया है, तो वो कह रहे हैं कि गोपी को भी हम एक उदाहरण समझ सकते हैं, स्पॉन्टेनियस लव जो रागात्मिका भक्ति है, इन सेंसुअल अट्रैक्शन। तो ये जो गोपियां थी ये बहुत ही यंग लड़कियां थी और कृष्णा, भगवान कृष्ण जो थे बहुत ही यंग थे, तो ऊपरी तौर से देखा जाए तो ऐसा लगता था कि गोपियां भगवान कृष्ण से शारीरिक रूप से आकर्षित है, वैसे ही कंस जो था भगवान कृष्ण से भय से उनसे आकर्षित था। कंस को हमेशा भय रहता था, जैसे उसे जो भगवान कृष्ण की बहन है जो आकाश में उड़ गई थी और उसने जो आकाशवाणी की थी कि आठवां पुत्र तुम्हें मार देगा। शिशुपाल जो है वो हमेशा भगवान कृष्ण से उद्वेष करता था, एनवियसनेस जो था। एंड द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग ऑफ यदु, जो यदु वंशी थे, तो सारे भगवान कृष्ण से संबंध जो थे उनका था और वो हमेशा सारे, ये सारे लोग जो है हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचा करते थे। All of these different kind of devotees have spontaneous attraction for Krishna, और इन सभी को भगवान कृष्ण से बहुत ही spontaneous attraction था अलग अलग कैटेगरी में, एंड दे अचीव द सेम डिजायर्ड गोल ऑफ लाइफ, और उनको वही जो जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अलग अलग उदाहरण है, काम रूप जो है शारीरिक रूप से गोपियां आकर्षित थी, भय से कंस आकर्षित था, मत्सरता से शिशुपाल आकर्षित था, और यदुवंशी उनसे अफेक्शनेटली वो उनसे अफेक्शन रखते थे। तो ये अलग अलग उदाहरण है। अब आगे, द अट्रैक्शन ऑफ द गोपीज फॉर कृष्णा, द अट्रैक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यदु डायनेस्टी आर बोथ एक्सेप्टेड एज स्पॉन्टेनियस और रागात्मिका। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण और यदुवंशियों का भगवान के प्रति आकर्षण, इसे रागात्मिका भक्ति कहा गया है। अब जो कंस का भय के रूप में जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण था, या शिशुपाल का द्वेष के कारण जो आकर्षण था, इसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। However, because their attitudes are not favorable, क्यों? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है वो अनुकूल नहीं था, उनका जो ये स्वभाव था वो प्रतिकूल था,
तो कृष्ण के प्रति भय भय था कंस को, और शिशुपाल को बहुत ही द्वेष था। तो इससे भले ही वो 24 घंटे वो याद करते थे, और हो सकता है सारे दूसरे जो शुद्ध भक्त हैं उससे ज्यादा याद करते होंगे, कंस भी और शिशुपाल भी, लेकिन इसे भक्ति कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पॉइंट श्री रूप गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, डिवोशनल सर्विस शुड बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन द फेवरेबल फ्रेम ऑफ माइंड। भक्ति सिर्फ जो है अनुकूल रूप से, हम जब हमारा मन उस अनुकूलता में होगा तभी हम भक्ति कर सकते हैं, तभी उसे भक्ति कहा जा सकता है। Therefore, according to Shri Rupa Goswami, such attractions are not considered to be devotional service. Sorry, इसीलिए रूप गोस्वामी जी के अनुसार बाकी जो आकर्षण हैं उनको भक्ति नहीं कहा जा सकता। फिर से वो यदुओं का जो अफेक्शन है उनको एनालाइज करते हैं और कहते हैं, अगर ये मैत्रीय के स्तर पर है यदुओं का प्रेम, तो ये जो स्पॉन्टेनियस लव है तो ये स्पॉन्टेनियस लव है, लेकिन अगर वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के स्तर पर है तो वो रागात्मिक का भक्ति नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो यदु मैत्री भाव से जो भगवान के प्रति आकर्षित थे उससे रागात्मिक का भक्ति कहा जाएगा, लेकिन जो दूसरे हैं जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ओ भगवान कृष्ण मतलब ऐश्वर्य भाव में है या मतलब अलग है, प्रेम के अलावा है, तो उसे रागात्मिक का भक्ति नहीं कहा जाएगा। एंड ओनली व्हेन अफेक्शन कम्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस लव इज काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। जब हमारा ये आकर्षण, हमारा अफेक्शन जो है वो इस स्पॉन्टेनियस लव के स्तर पर आता है, तभी इसे शुद्ध भक्ति के कैटेगरी में गिना जाएगा। मैं और एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। There are some difficulty in understanding that both the gopis and kamsa achieve the same goal. यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट एक वो कह रहे हैं कि ये बात समझने में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है कि गोपी और कम्स दोनों को वही जो स्तर है वो प्राप्त हुआ। So this point should be clearly understood. ये हमको समझना चाहिए कि because the attitudes of Kamsa and Shishupal were different from that of gopis. Because the attitudes of Kamsa and Shishupal were different from that of gopis. Although in all these cases the focus is on the Supreme Personality of Godhead and all of the devotees are elevated to the spiritual world, there is still a distinction between these two cases. क्लासेस ऑफ सोल। तो भले ही उनका दोनों केस में देखा जाए उनका भगवान के प्रति आकर्षण था, और जो दोनों प्रकार के भक्त जो थे उनका आध्यात्मिक जगत में उनका प्रगति हो गया, लेकिन फिर भी अगर दोनों का क्लासिफिकेशन किया जाए तो दोनों अलग है, एक प्रेम के रूप में है और दूसरे भय और द्वेष के रूप में है। ये भगवान का कृपा है कि वो ऐसे भक्तों को, भक्त नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों को जो द्वेष करते हैं या भय रखते हैं तो, लेकिन भगवान को हमेशा याद करते हैं, इसके लिए वो उनको ऊंचा स्तर देते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में कहा गया है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ इज वन, तो परम सत्य है वो एक ही है, और वो इस जो है अव्यक्त ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पे एक आध्यात्मिक फर्क है, यद्यपि ब्रह्मन परमात्मा और भगवान सारा जो है वो परम सत्य है, डिवोटीज लाइक कमसा और शिशुपाल वुड ओनली अटेंड टू ब्रह्मन इंटेलिजेंस। तो कमसा और शिशुपाल जो थे वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सके, दे कुड नॉट हैव रियलाइजेशन ऑफ परमात्मा और भगवान, और उनको परमात्मा या भगवान का उनको साक्षात्कार नहीं हुआ। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि गोपियाँ उनके अनुकूल होने के कारण वो ऊपर गोलोक तक हैं उनके साथ में, और कम से शिशुपाल
अपने भय और मत्सरता के कारण, भगवान की कृपा के कारण वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सके और आगे का जो रियलाइजेशन, जो आगे के दो स्टेप हैं, परमात्मा का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार, वो नहीं कर पाए। ओके, एक बहुत रिलेटेड टॉपिक है तो इसको भी कवर कर लेते हैं। एन एनालॉजी कैन बी गिवन विद द सन ग्लोब। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी एक उदाहरण दे रहे हैं सूर्य का। सूर्य का जो ग्रह है और जो सूर्य का जो चमक है तो रिमेन, तो वो कहते हैं यहाँ पे कि सूर्य की चमक में या सूर्य के प्रकाश में रहने का मतलब नहीं कि हम लोग सूर्य के लोक पर हैं, उस ग्रह पर हैं। जो उस ग्रह का यानी सूर्य का जो तापमान है उसका और जो सूर्य के प्रकाश का तापमान एकदम भिन्न है, अलग है। जो one who has gone through the sunshine in jet planes or in spaceships has not necessarily gone through the sun. और थोड़ा सा ऊपर जो गए हैं, जो जेट प्लेन में जाके उन्होंने या स्पेसशिप में जाके जो सूर्य के प्रकाश को सहन किया, इसका मतलब नहीं है कि वो कि सूर्य लोक तक पहुंच गए। सूर्य प्रकाश नीचे, ऊपर का सूर्य प्रकाश और सूर्य ग्रह का जो तापमान, यहाँ पे वो फर्क समझा रहा है। ऑल्दो द सनशाइन एंड द सन ग्लोब आर एक्चुअली वन, तो कह रहे हैं यदि भी देखा जाए तो सूर्य प्रकाश और सूर्य ग्रह वास्तव में जो देखा जाए तो एक ही है, फिर भी उसमें फर्क है क्योंकि एक शक्तिमान है और दूसरा जो है वो शक्ति है। शक्ति अलग है और शक्तिमान अलग। शक्ति जो है वो शक्तिमान से आती है, उसी के कारण आती है। और इसमें हम लोग और एक उदाहरण देख सकते हैं बल्ब का या लाइट का। जो लाइट का जब बल्ब जलता है जो प्रकाश आता है वो बल्ब के कारण आता है। अगर बल्ब हटा देगा तो उस प्रकाश जो है प्रकाश भी चला जाएगा। तो ऐसा देखा जाए तो एक ही है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो उसमें फर्क भी है। द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड इट्स बॉडीली एफल्जेंस आर सेम। तो भगवान और उनका जो ज्योति है, अगर देखा जाए तो एक तरह से वो एक भी है और अलग भी है। कंसा एंड शिशुपाल अटेंड टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू गोलोका वृंदावन अबोर्ड। तो कंसा शिशुपाल यद्यपि वो परम सत्य तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें गोलोक वृंदावन में उनको प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ। निराकारवादी और भगवान के जो शत्रु हैं, एम्पर्सेस एंड द एनिमीज ऑफ द लॉर्ड आर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन टू गॉड अलाउड। तो जो निराकारवादी और भगवान के जो शत्रु हैं, उनका भगवान के प्रति आकर्षण के कारण उनको भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन उनको वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन धाम तक उनको प्रवेश नहीं मिलता। टू एंटर टू द किंगडम एंड टू द एंटर के एक्सपीरियंस आर नॉट द सेम। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे कि किसी के राज्य में प्रवेश करना और किसी के महल में, राजा के महल में प्रवेश करना एक बात नहीं है। जैसे अगर हम लोग किसी, जैसे कोई गल्फ कंट्री लेते हैं, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में प्रवेश करना अलग बात है, लेकिन वहाँ का जो राजा है उसके महल में प्रवेश करना अलग बात है। हम लोग सऊदी में प्रवेश के लिए तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हम लोग उस राजा के जो हम लोग उसके महल में प्रवेश किए। तो वैसे यहाँ पे भी उदाहरण दिया जा रहा है कि भले ही कंस और शिशुपाल वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो गोलोक वृंदावन तक नहीं पहुँच सके। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई पॉइंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस रोजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माय क्वेश्चन इज, जो दोस हु गो टू दिस ब्रह्म ज्योति और इम्पर्सनलेस, दे विल आल्सो फॉल डाउन, राइट? देयर कैन बी अ फॉल डाउन, राइट प्रभु जी, फॉर सच जीवास आल्सो, ऑल्दो दे आर इन द स्पिरिचुअल स्काई।
हरे कृष्ण मतलब हाँ, मतलब कृष्ण. प्रभुपाद जी कहते हैं कई बार अपने लेक्चर्स में कि जो लोग ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं उनका पतन हो सकता है. क्यों? क्योंकि जीव का जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है हमेशा कर्म करना, ही वॉन्ट्स टू सर्व. लेकिन ब्रह्म ज्योति में देर इज नथिंग, जस्ट सिटिंग साइलेंट, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं है. जैसे भगवान भगवद गीता में भी बोलते ना कि एक क्षण भी जो है आत्मा बिना कार्य किए नहीं रह सकता, तो हाउ लॉन्ग ही कैन सिट साइलेंट. और इसीलिए प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि जो बड़े बड़े जो ऐसे जो सो कॉल्ड सन्यासी लोग हैं, वो लोग निराकारवादी जो हैं वो लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर जो है वापिस फिर से किसी समाज सेवा में या ऐसा कुछ कामों में लग जाते हैं. दे अगेन कम डाउन इन द ग्रुप. सो चांसेस आर देयर कि दे विल कम बैक टू द लोअर प्लैनेट्स, क्योंकि देर इज नो एक्टिविटी, कुछ कार्य ही नहीं है वहाँ पे, जस्ट सिटिंग आइडल. एंड गोलोक वृंदावन में ये है कि वहाँ पे दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड. गोपियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, नंद बाबा अपना सेवा कर रहे हैं, यशोदा मैया सेवा कर रही हैं, सारे ग्वाल बाल सेवा कर रहे हैं. तो दे आर सो बिजी कि उनको टाइम ही नहीं है कुछ सोचने के लिए. तो जस्ट कंसिडर, हम लोग अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो इन मटेरियल वर्ल्ड हम लोग भी अपना ऑफिस ऑफिस के काम से वी ट्राई टू डू सम सेवा. हम लोग भगवान का कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ सेवा करते हैं, या वॉट एवर घर में हम लोग somehow, तो वी डोंट हैव टाइम एट ऑल, वी आर सो बिजी. तो जस्ट इमेजिन हु आर ऑलरेडी इन गोलोक वृंदावन, वो लोग इतना बिजी रहते होंगे. बट कंसिडर कॉन्ट्रास्ट, अगर हम लोग देखें कॉन्ट्रास्ट में, तो दिस जीवस जो लोग ब्रह्म ज्योति में, उनके पास काम ही नहीं है, बस ऐसे बैठे हैं, फिर इधर उधर देखते रहते हैं, फिर देखते हैं बोर हो गए तो चलो बोला चलो आ जाओ नीचे. सो दैट इज देयर सिचुएशन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. ऑल्सो रिमेम्बर, आप एक बार यू गिवन दिस एग्जाम्पल, ट्री एंड जो पैरट्स उस ट्री में, और बर्ड्स आर देयर इन द ट्री, दे आर नॉट द सेम बिकॉज द बर्ड्स कैन फ्लाई अवे. पर मेरा यू नो बिकॉज दे रीच द स्पिरिचुअल स्काई, बिकॉज इट सेवा भाव नहीं है इसके वजह से दे कम डाउन, राइट? बट देयर्स अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे जस्ट बी देयर जस्ट लाइक दैट. बट नहीं तो सबके लिए विल एवरीबडी फॉल डाउन देयर जो ब्रह्म ज्योति में, यू नो हुअर गोज टू द ब्रह्म ज्योति. ऐसा मैंने कहीं पे रेफरेंस तो नहीं देखा कि दे आर श्योर टू फॉल डाउन, बट ये प्रभुपाद जी कहते हैं देर आर चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन, क्योंकि देर इज नो एक्टिविटी. सो मेजोरिटी चांसेस आर देर बिकॉज देर इज नो एक्टिविटी, कुछ काम ही नहीं है. कंसिडर अगर मैं किसी को एक रूम में बंद कर देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिटिंग देयर, तो भले ही इज गेटिंग हिज फूड हिज वाटर एवरीथिंग, बट ही डजंट हैव एनीथिंग, तो कितना देर बैठ सकता है वो. एंड स्पेशली इन द जो सब प्रिजन सेल्स में जो होते हैं लोग, इसीलिए पागल हो जाते हैं बिकॉज उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो क्या करेंगे. सो चांसेस आर देयर मेजोरिटी दे आर गोइंग टू कम डाउन, बट ऐसा मैंने कहीं पे रेफरेंस नहीं देखा कि ये 100% उनका फॉल डाउन हो जाएगा. तो प्रभुपाद सेज यस दे कैन फॉल डाउन. अब प्रभुपाद जी फिर दूसरे सो कॉल्ड सन्यासी का उदाहरण देते हैं, एंड दे कम बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज. और वो जो पैरेट वाला उदाहरण भी वही है कि दैट इज इन रिगार्ड्स टू मर्जिंग. जैसे निराकारवादी बोलते हैं कि भगवान में लीन हो गए, मतलब देयर कंसेप्ट इज कि अगर हम लोग ज्योति में मिल गए तो हम लोग भी एक हो गए, बट दे डोंट बिकम वन. ट्री एक अलग एंटिटी है एंड द पैरेट एक अलग एंटिटी है. दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ इट हैज मर्ज, बट एक्चुअल इफ यू गो क्लोज इट्स अ डिफरेंट एंटिटी. वैसे ही जो तत्व है वो ये है कि इवन दो दे गो इन टू वो भले ही उसमें जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, लेकिन वो भगवान में लीन नहीं होते. जैसे हम लोग भगवद गीता में देखेंगे आगे कि वी आर एटर्नल फ्रेगमेंटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स. हम लोग सनातन रूप से हम लोग अलग,
ऑल्दो हम उनके अंश है, लेकिन सनातन रूप से हम लोग वी आर सेपरेटेड पार्ट्स, एंड फिर वी नेवर, जो हमने देखा सेकंड अध्याय में कि हम लोग कभी आकार चेंज नहीं होता. सो फ्रॉम दैट कंसेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि इट नेवर मर्जेस विद द लॉर्ड. और उनका कंसेप्ट यही है कि मतलब एक जैसे एक बड़ा कुछ बॉल ऑफ में भी से डो, दूसरा छोटा वाला उसमें मिला दिया तो एक हो गया, तो देयर कंसेप्ट इज लाइक दैट. बट ऐसा नहीं है, दे विल बी एटर्नली सेपरेट. सो इन दिस रिगार्ड्स वी गिव दिस एग्जांपल ऑफ पैरट. हरे कृष्ण मतलब. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता. थैंक यू. ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के लिए. श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय. श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय. श्री प्रभुपाद की जय. स्वामी गुरुवृंद की जय. हरे कृष्णा.